पटना के चर्चित जदयू नेता दीपक मेहता हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। शूटर सहित कुल 4 अपराधी हथियार एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद किया गया। जमीनी विवाद में अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि दीपक मेहता राजनीति के साथ साथ जमीन के कारोबार से भी जुड़े हुए व्यक्ति थे। इनका पटना में कई क्षेत्रों में जमीन का क्रय विक्रय का कारोबार था। इसी क्रम में 2 विवादित प्लॉट पर, जिसमें पहला प्लॉट करीब 52 कट्ठे का है जो कि बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ न्यू मिथिला कॉलोनी दानापुर में है, एवं दूसरा जो करीब 29 कट्ठे का है जो वनस्थी मंदिर दीघा नहर रामजी चक दीघा के पास अवस्थित है। इसी जमीन पर मृतक दीपक मेहता को कुछ पेशेवर अपराधियों से विगत 1-2 वर्षों से विवाद चल रहा था। विवादित प्लॉट को लेकर पूर्व में दीघा थाना में FIR भी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें आसूचना संकलन के आधार पर पता चला कि इस कांड में दीघा थाना क्षेत्र के जेल से छूटे रवि गोप ने कुछ अन्य पेशेवर अपराधियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से इस घटना को अंजाम दिया है। तत्काल इस संदर्भ में आसूचना संकलन कार्य प्रारंभ किया गया। इस क्रम में रवि के गिरोह के एक अपराधी राजू राय, जो रवि का अपना बड़ा भाई भी है, जिसको छापेमारी कर पकड़ा गया। सघन पूछताछ के क्रम में इसने खुलासा किया कि यह घटना विवादित जमीन के कब्जे को लेकर की गई है। 29 कट्ठे प्लॉट पर रवि को एवं 52 कट्ठे वाले प्लॉट पर उमेश कुमार उर्फ उमेश राय को दीपक मेहता के कारण ही रुकावट आ रही थी। इसी कारण उसने उमेश राय के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिलवाया। घटना में चोरी की एक FZ बाइक का प्रयोग हुआ था, जो उमेश राय के संपर्क के मनोज राय द्वारा उपलब्ध कराया गया था। घटना के बाद PNM मॉल पाटलिपुत्रा के पास बाइक छोड़ देना तय हुआ था, जिसके बाद में हटा दिया जाता। रवि एवं उमेश की गिरोह द्वारा ही 4 शूटरों की व्यवस्था की गई थी। उमेश के संपर्क का पिंटू मियां, जो कि बुद्धा कॉलोनी का रहने वाला है, उसने ही शूटरों को मृतक के घर एवं मृतक की पहचान करवाई थी। इस खुलासे पर तत्काल छापेमारी कर पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र से मनोज राय एवं राजू कुमार राय को, गांधी मैदान थाना क्षेत्र से पिंटू मियां को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 देसी पिस्टल एवं 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इन सभी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाइक को भी पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। यह बाइक मालसलामी थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी। इस संदर्भ में मालसलामी थाना में मामला भी दर्ज है। गिरफ्तार राजकुमार सहनी उर्फ बालक शेखर हत्याकांड बुद्धा कॉलोनी में फरार चल रहा था। मनोज राय की संलिप्तता बहुचर्चित बिरजू राय हत्याकांड पाटलिपुत्रा में सामने आई थी। मोहम्मद आजाद हुसैन उर्फ पिंटू भी छोटू साव हत्याकांड बुद्धा कॉलोनी में जेल जा चुका है। उल्लेखनीय है कि अनुसंधान के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि गिरफ्तार राजू गोप का मृतक दीपक मेहता एवं उसके बड़े भाई सूरज मेहता के साथ जमीन के लेन देन को लेकर संबंध रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों के नामों का भी खुलासा किया गया है। इन सब की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। क्या मामला है, किस तरह गिरफ्तार हुई? लोग अवगत हैं कि 28 मार्च 2022 की रात 9 बजे एक जो उपाध्यक्ष हैं दानापुर नगर परिषद के, श्री दीपक मेहता, जब वो अपने घर पे एक फंक्शन से लौट रहे थे, तो उनका जो घर है न्यू मिथिला कॉलोनी दानापुर थाना क्षेत्र में नास्टिकगंज पुलिस चौकी के पास, तो जैसे घर के पास पहुँचे थे, गाड़ी से उतरे थे, तो उसी क्रम में 3 से 4 की संख्या में जो अपराधकर्मी थे मोटरसाइकिल पर आए थे एवं उनके ऊपर फायरिंग किया था। तकरीबन 5 गोली फायरिंग हुआ था, लेकिन उनको लगा था। उसके बाद उनको पारस हॉस्पिटल लेकर जाया गया था, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। इसी संदर्भ में दानापुर में अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। काफ़ी चर्चित मामला था, क्योंकि जो मृतक दीपक मेहता थे वो राजनीति से भी जुड़े हुए थे और नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी थे। तो क्योंकि मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ था, तो उसी समय फिर एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर वो इसका SIT का नेतृत्व कर रहे थे। इसके अतिरिक्त थानाध्यक्ष दानापुर, थानाध्यक्ष रूपसपुर, थानाध्यक्ष खगौल, थानाध्यक्ष शाहपुर, देन हमारी SIU की टीम, पाटलिपुत्रा की टीम, थानाध्यक्ष पाटली बुद्धा कॉलोनी में, इन सभी को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया था। इसमें जो हम लोगों को शुरू के क्लूज मिले थे, जो मृतक हैं उनके परिजन हैं, उनसे हम लोगों ने बहुत विस्तृत बातचीत की थी, विभिन्न स्तरों पर बातचीत की थी। तो उसी क्रम में हमको पता चला कि जो मृतक दीपक मेहता है, ज़मीन के कारोबार के साथ बहुत देर से जुड़े भी हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो आसपास के जितने भी CCTV फुटेज थे, उनका हमारा Dial 100 की टीम ने और SIU की टीम ने विश्लेषण किया, तकनीकी अनुसंधान किया गया। इसी क्रम में हम लोगों ने निबंधन कार्यालय से जो मृतक दीपक मेहता के साथ जुड़े हुए विभिन्न रजिस्ट्री के, वो भी हम लोगों ने डिटेल्स प्राप्त किए। और इसी
जब हम लोग उसका विश्लेषण कर रहे थे तो हम लोगों को पता चला कि बहुत सी ज़मीनें जो दानापुर थाना क्षेत्र में हैं, दीघा थाना क्षेत्र में हैं, उस पर कुछ ज़मीनें मृतक के नाम पर रजिस्टर्ड थी, कुछ पे उनके नाम पर एग्रीमेंट था, कुछ पे उनमें बहुत से कुछ प्लॉट्स विवादास्पद थे। इसी में फिर परिजनों से इसकी संपुष्टि भी किया गया तो पता चला कि जो हत्या हुई है प्रमुख रूप से जो विवादास्पद ज़मीनों में कब्जे को लेकर जो इनका पेशेवर अपराधियों के साथ विवाद चल रहा था उसी के कारण हुई है। इसमें दो प्लॉट्स को हम लोगों ने स्पेसिफिकली चिन्हित किया है अभी तक। एक तकरीबन 52 कट्ठा का प्लॉट है जो कि बिस्किट फैक्ट्री थाना दानापुर यहाँ पे की जुरिस्डिक्शन में है, और एक 29 कट्ठे का विवादास्पद प्लॉट है जो कि रामजी चक दीघा में वनस्पति वनपति मंदिर के पास वहाँ पे प्लॉट है। इन दोनों प्लॉट्स पे विवाद हुआ था।